जो आने वाले थे आपने मेरी मदद की थी, इसमें मेरा बिल्कुल बिगड़ गया और इसमें मैं बेहद कमजोर था, मेरे को बैलेंसिंग नहीं आता था। CH3COH + A3OH इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना नहीं आता था मुझे, और मैं बड़ा मायूस और दिल मतलब टूट गया। परंतु बाइबल बताती है भजन संहिता 34:18 में, हमारा यीशु मसीह टूटे दिल के बेहद समीप रहता। अगर आज आपका दिल टूटा है, यीशु मसीह आपके बेहद समीप है, बेहद करीब है। भजन संहिता 147 उसके तीसरे वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह टूटे दिलों को चंगा करने के लिए आया, टूटे घरों को चंगा करने के लिए आया, टूटे शरीरों को चंगा करने के लिए आया। मेरे प्रियो, वैसे ही मैं रात को बड़ा बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी, चिंता, डर, पेपर बिगड़ गया है, 12th में फेल हो गया तो मेरा भविष्य अंधकारमय बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और सोने से पहले मैंने बाइबल पढ़ने की आदत बना ली थी, और मैं बाइबल उस दिन खोला, मुझे मालूम नहीं था ज़्यादा बाइबल के बारे में, मैं नया नया यीशु को ग्रहण किया था। जैसे ही खोला, खुला नीति वचन 21:1, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल ले, नीति वचन 21:1, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21:1, वहां लिखा हुआ है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, नालियों के जल के समान, जिधर वो चाहे उधर वो मोड़ दे। तो यीशु ने मुझसे बात करना चालू किया, बेटा दुखी मत हो, क्या लिखा है, राजा का मन अर्थात जो दिल्ली बोर्ड CBSE बोर्ड का जो तेरा एग्जाम पेपर चेक करेगा उसका हृदय मेरे हाथ में है। फिर मैंने पढ़ा, ओ इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, उसकी सामर्थ, उसका प्यार कभी नहीं बदलता। और यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 10:27 में, मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है परंतु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तो मुझे बड़ी आनंद मिला। बाइबल बताती है हमारे पास जो बाइबल है ये प्रभु का वचन जो है वो मीठा है, मधु से भी मीठा है, स्वीटर देन हनी। भजन संहिता 19:10 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 और उसके 103 में लिखा हुआ है कि हम ये परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा वचन है। इतनी शांति मुझे मिली, इतनी खुशी मिल गई, और रात को चिंता के बारे नींद नहीं आती है, परंतु मेरी तो चिंता यीशु ने दूर कर दी अपने वचन को भेजकर। भजन संहिता 107 और उसके 20 में लिखा हुआ है, वो अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता है। आज आप दर्द से परेशान है, वो दुखी है किसी बीमारी से, याद रखिए वो अपने वचनों को भेज रहा है और उसका वचन चंगा करता है। नीति वचन 4:22 के अनुसार वो हमारी सबसे अच्छी मेडिसिन है। और मेरे प्रियो, एग्जाम खत्म हुए, मेरे मम्मी पापा पूछने लगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं बोला अगर यीशु ने चाहा तो सेकंड डिवीजन ज्यादा से ज्यादा पा सकता हूँ या फेल हो जाऊंगा, नहीं तो मेरा पेपर तो बिगड़ गया। जब रिजल्ट आया, यीशु मसीह चमत्कारी परमेश्वर, इज अ गॉड ऑफ मिराकल्स, एंशियस टू डू मिराकल्स फॉर यू, फॉर यू माई सिस्टर, फॉर यू माई ब्रदर, आपके लिए वो चमत्कार करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। जब रिजल्ट आया मेरा 71% यीशु ने दिलाया, कितना अच्छा यीशु है, कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है, कितना यीशु अतुलनीय है, अद्वितीय है, हालेलुया। और जो पेपर सबसे बिगड़ गया था केमिस्ट्री वाला, उसमें मेरे को हाईएस्ट 84/100 दिलाए, 100 में से 84। यदि आज आप अपने बच्चों के कारण, उनकी पढ़ाई के कारण चिंतित हैं, वो बार बार फेल हो जा रहे हैं, या थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, वो कम नंबर आ रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी, यीशु मसीह सहायता करते हैं, और उसके साथ साथ वो स्मरण शक्ति भी देते हैं। जब मैं MBA कर रहा था, यीशु मसीह ने मेरी एक पेपर था MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें धुखे मेरे को सब्जेक्ट पसंद नहीं आता था, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, और देखा तो डेरिवेशंस थे खूब,
ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस ई क्यूब, ऐसा करके खूब ढेर सारे। और जब मेरा एग्जाम था उस दिन मुझे पढ़ना जरूरी था, क्योंकि मैंने साल भर वो अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ाई की थी वो वाला सब्जेक्ट को, MIS। जब मैं एग्जाम के लिए सुबह उठा पढ़ने के लिए, शाम को एग्जाम था मेरा, बड़ा दिल बोझ से दबा हुआ था। यीशु क्या कहते हैं पहला पत्रस 5:7 में, अपने सारे बोझ अपनी सारी चिंता यीशु पर डाल दो। भजन संहिता 55:22 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता अपना सारा बोझ यीशु पर डाल दो। मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ने लगा, और जब मैंने बाइबल खोली तो उसमें निकला भजन नीति वचन 10:7, वहां पर लिखा हुआ है द मेमोरी ऑफ जस्ट इज ब्लेस्ड, जो धर्मी जन की है याद रखने की याद स्मरण शक्ति आशीषित होती है। यीशु ने समझाना चालू किया, बेटा क्या लिखा हुआ है, स्मरण शक्ति, ओ याद शाह द मेमोरी, मेमोरी पावर। मैंने कहा हाँ यीशु मैं तो चाहता हूं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं और मुझे याद होना तो असंभव है, परंतु जानते हैं जब एग्जाम हॉल में मैं एक ही बार पढ़ के गया, वहां पर यीशु की दया से जो पढ़ा था वही आया, परंतु मैं भूलने लगा, कंफ्यूजन होने लगा, वो ए क्यूब था या स्क्वायर था, माइनस था कि वो प्लस था, या डी क्यूब था, ऐसा करके कंफ्यूजन। मैंने यीशु को पुकारने लगा, यीशु आपने कहा यू हैव प्रॉमिस्ड इन योर वर्ड, आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि धर्मी जन अर्थात आपके बच्चों की स्मरण शक्ति मेमोरी पावर अच्छी आशीषित होती है, तो मुझे याद रखने की सामर्थ्य दीजिए, याद आ जाए यीशु के नाम में। और मैं देखा थोड़े ही समय में मुझे याद आना चालू हो गया, ये क्यूब था, यहाँ प्लस था, माइनस नहीं था, ऐसा करके मैं एग्जाम दे पाया और आ सका। उसके बाद यीशु ने मुझे फर्स्ट डिवीजन 66% से भी मुझे पास करा दिया। यही सब और भी कई अनुभव है, रोचक अनुभव। मैंने एक हिंदी में एक विशेष किताब लिखी है, यीशु विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, जवानों की सहायता करते हैं उनके कैरियर में, अपनी गवाहियों के साथ परमेश्वर को के वचन के साथ मैंने लिखी है, आप उसे मंगा सकते हैं मुझसे। किताब लिखी है और वो काफी लोग जो पढ़े हैं वो लोग गवाही देते हैं कि ब्रदर हमको बहुत अच्छी आशीष मिली, आनंद मिला और हमारे लिए चमत्कार यीशु मसीह ने किया। आप भी मंगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, कि कैसे यीशु मसीह मदद और सहायता करते हैं। हालेलुया। और ऊपर से वो हिंदी में है, हिंदी भाषा में है, यीशु विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। हालेलुया। तो मैं प्रियो, अब समय हो गया है, और भी कई बातें थी, ये देखिए किताब जो मैंने लिखी है, यीशु मसीह विद्यार्थियों की सहायता करते हैं करके। हालेलुया। इसमें मेरा पूरे जीवन की गवाहियां है, कैसे 12वीं क्लास फेल लड़के को इतनी ढेर सारी यीशु ने इंजीनियरिंग की, MBA की, PhD की डिग्री दिलाई यीशु की दया करुणा के कारण। आइए मेरे प्रियो आंखें बंद कर लें। हालेलुया। यीशु की सामर्थ बहेगी, यीशु का प्यार बहेगा, आज आपके टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। प्यारे यीशु मैं प्रार्थना करता हर एक जॉइंट पेन, हर एक जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी समय जाए। स्पॉन्डलाइटिस, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से, मिर्गी का अटैक, अस्थमा, सिर दर्द यीशु के नाम से जाए। सारी स्वेलिंग, सारी ब्लड डिजीज, रक्त की वो बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो, दूर हो, दूर हो। सारे बंधन टूट जाए, सारी वो डिप्रेशन दूर हो जाए। यीशु मसीह छू लीजिए बेटा, छू लीजिए, टच लॉर्ड, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे को छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता। धन्यवाद, ओ आपकी सामर्थ्य आ रही है, आपका प्रकाश आ रहा है, जहां वो बैठे हुए हैं आप उनको अपने प्यार भरे हाथों से छू रहे हैं, ओ हालेलुया, उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, आपका प्यार भरा, चंगाई भरा, ओ शांति भरा स्पर्श। हालेलुया। वो नया बल वो प्राप्त कर रहे हैं,
नया बल प्राप्त कर रहे हैं, खराब अंग ओ नया नया यीशु बना रहा है। धन्यवाद यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थ्य यीशु, ओ हालेलुया, ओ अचंभे के काम करने वाला, ओ आश्चर्यकर्म करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला यीशु, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, कुछ देर धन्यवाद दे, से थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप मेरी घर की समस्याओं, मेरे ऑफिस के प्रॉब्लम, मेरे जो भी जरूरतें हैं, आप उसे सुलझाएंगे। ऑल योर प्रॉब्लम शैल बी सॉल्व बाय जीसस क्राइस्ट। आपकी हर एक समस्याओं को यीशु मसीह ओ समाधान कर देंगे, सुलझा देंगे। हालेलुया, प्यारे यीशु, धन्यवाद प्यारे यीशु, आपने अपने अनमोल वचनों से बात की। हर एक भाई, हर एक बहन जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ा है, उन्हें आशीष कीजिए। सारी आर्थिक जरूरतों को पूरा कीजिए पिता, जो नौकरी चाह रहे हैं, जो प्रमोशन चाह रहे हैं, जो बेहतर नौकरी चाह रहे हैं, वो जो छोटी नौकरी, कम तनख्वाह से परेशान है पिता, वो पीड़ित है, चिंतित है, यीशु के नाम से नए दरवाजे खुल जाएं। न्यू डोर्स बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए। ओ जंगल में से मार्ग निकालने वाला, ओ रेगिस्तान में पानी की धारा बहाने वाला यीशु, 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 यस यस यस। उनके लिए क्रिएट किए, क्रिएट और सृष्टि करता, उनके लिए सृष्टि कर, नई नौकरियों का, नए अंगों का पिता, खराब अंगों को बदल दीजिए, नए अंग, नई शुरुआत। जो पुरानी मिस्टेक कर चुके हैं, पुरानी गलतियां कर चुके हैं, पुराने जीवन के कारण बड़े परेशान हैं, उन्हें न्यू बिगिनिंग्स दीजिए, नई शुरुआत। यस, फ्रेश स्टार्ट लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, आपने हर एक भाई, हर एक बहन के लिए बेहतर योजना बनाई है, और उस COVID-19 में पिता अपने खून में छुपा के, ओ लहू में छुपा के, स्वर्दूतों का बाड़ा, भजन संहिता 34:7 के अनुसार आग की दीवार बन के पिता, जकरिया 2:5 के अनुसार पिता उनकी रक्षा रखवाली कीजिए पिता। जो आपको छूता है वो परमेश्वर के आग की पुतली को छूता है। ओ लेट गॉड अराइज, लेट हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड। हर एक जादू थोना यीशु के नाम से मरकुस 16:17 के अनुसार दूर हो, दूर हो, दूर हो। बंधन, तनाव, दबाव यीशु के नाम से, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज यीशु के नाम से ओ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए पिता, क्योंकि गतसमनी के बाग में आपने अपना पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंद के रूप में बहाया। आप ब्लड प्रेशर को अपने ऊपर आपने उठा लिया, डायबिटीज को उठा लिया पिता, कैंसर, रसौली, गांठों को, ट्यूमर को आपने ऊपर उठा लिया है पिता, बवासीर को आपने उठा लिया है, ओ आप मिर्गी को उठा लिया, सारी बीमारियों को उठा लिया। आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए, सब चंगे हो गए। बाय योर स्ट्राइप्स वी आर हील। धन्यवाद यीशु, यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।